रानी के देश में एकदम रानी की तरह बैठकर फ्लाइट से सुंदर नजारों का आनंद लेते हुए बहुत ही जरूरी है अगर आप इंडिया से आ रहे हो या यूरोप की किसी और कंट्री से, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि ज्यादा अच्छा नहीं है। देखते हैं बाकी के दिन भी ऐसा ही रहने वाला है या नहीं। होपफुली बी पॉजिटिव। हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और स्वागत है आपका इंग्लैंड की सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ी और सबसे फेमस सिटी लंदन में। आगे बढ़ने से पहले लंदन के बजट ट्रिप की शुरुआत जहाँ से हुई वहाँ चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने फ़्लाइट कितने में बुक की और कैसे। एक्चुअली मेरा यूके जाने का प्लान काफ़ी लास्ट मोमेंट पे था, तो मैंने बहुत सारी वेबसाइट पे फ़्लाइट चेक की और फाइनली मैंने बुक किया टैब पोर्चुगल, जो मेरे लिए काफ़ी अच्छी एयरलाइन साबित हुई। इसमें आप एक कैबिन बैग ले जा सकते हैं और एक हैंड बैग। मेरी फ़्लाइट थी अर्ली मॉर्निंग 4:30 की पोर्टो से। पैसे बचाने तो करना तो पड़ता है, लेकिन अच्छी चीज़ क्या हुई कि मुझे बिना एक्स्ट्रा चार्ज के विंडो सीट मिल गई और उससे भी अच्छा मेरे बगल वाली दोनों सीट खाली थी। रानी के देश में एकदम रानी की तरह बैठकर फ्लाइट से सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए मैं पहुंची लंदन। वेलकम टू द क्वींस टर्मिनल। ये है हीथ्रो एयरपोर्ट। लंदन में और भी एयरपोर्ट्स हैं लेकिन ये सेंट्रल सिटी से क्लोज है और वेल कनेक्टेड है। अगर आपको लंदन सिटी एयरपोर्ट या गेटवे या लुटन एयरपोर्ट से सस्ती फ्लाइट मिले तो आप वहाँ से भी बुक कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ कैसे सिटी सेंटर तक जाना है, बट उससे पहले ये इमिग्रेशन जिसमें काफ़ी टाइम लगता है, यहाँ पर आपसे बहुत सारे सवाल यूजुअली पूछे जाते हैं, तो आराम से कुछ खा पी कर लाइन में लगेगा। तो हम आ गए हैं इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर और यहाँ से हम पकड़ने वाले हैं ट्रेन, क्योंकि वो सबसे सस्ता ऑप्शन है। टैक्सी उबर काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा और यहाँ पर लिफ्ट से आपको ट्रेन लेनी हो या बस या टैक्सी, और अगर आप ट्रॉली बैग कैरी करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हीथ्रो एयरपोर्ट से दो ट्रेन जाती है सेंट्रल लंदन के लिए, एक्सप्रेस लाइन और हीथ्रो एक्सप्रेस। हीथ्रो एक्सप्रेस फास्ट है बट महंगी है। एक साइड की आपको टिकट पड़ेगी £25 अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो, जबकि एलिजाबेथ लाइन में आप पे करते हैं उसके आधे और 40 से 45 मिनट में आप पहुंच जाते हैं सेंट्रल। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लंदन में लाइफ ईजी बनानी है तो आप टैप करने वाला डेबिट या क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। वाइज कार्ड भी अच्छा ऑप्शन है, इससे आपको टिकट नहीं लेना पड़ता बार बार। फिर भी अगर आपको टिकट लेनी है तो यहाँ से आप टिकट मशीन से ले सकते हैं। उसके बाद मैं गई लिफ्ट से प्लेटफॉर्म तक और यहाँ हमारी एलिजाबेथ ट्रेन तैयार खड़ी थी। इतनी बिग सिटी है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है पहली बार, बट उतना मुश्किल नहीं है। तो मैं पहुंच गई पेडिंगटन स्टेशन। उतरते ही मैंने देखी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और आइकॉनिक रेड कलर की बसेस। मैंने अपना स्टे यहीं 15 मिनट की वॉक पर बुक किया था क्योंकि ये सेंटर में है और विजिटिंग प्लेसेस से कनेक्टेड है, तो मैं बैग्स रख करके बाद में चल पड़ी। और रास्ते में मैं रुकी सुपरमार्केट, जहां से मैंने कुछ सामान लिया और अपना कार्ड टैप करते हुए मैंने पे किया। अगर आपको थोड़ा कैश विड्रॉ करना है तो आप फ्री विड्रॉवल कुछ एटीएम मशीन्स होती है जहां से आप कैश निकाल सकते हैं, और इस महंगी सी कंट्री में चलते हैं पाउंड। यहां पर है कैंसिंगटन गार्डन और उसी के साथ में जुड़ा हुआ है हाइड पार्क। लंदन सिटी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो आपको दिखेगी ही, जैसे शाहरुख खान ने बोला था, लेकिन साथ में यहाँ पर बहुत सारे सुंदर गार्डन्स भी दिखेंगे आपको, जहाँ पर आप जॉग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और पिकनिक बना सकते हैं। तो मैंने भी अच्छे से मौसम का लुत्फ उठाते हुए थोड़ा वॉक किया, जो फ्लाइट की जर्नी के बाद काफ़ी रिलैक्सिंग था।
तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लंदन बजट में कैसे विजिट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप पोर्चुगल से यूके का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और आज के वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ कैसे आप सस्ते में यहाँ पर घूम सकते हैं। हालांकि सस्ता यहाँ पर सस्ता है नहीं, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर महंगा है, लेकिन हम पहुँच ही गए हैं तो अब हम सब कुछ देखने वाले हैं। और आज मैं पहुंची हूं, लेकिन मैं थोड़ा थकी हूं। मैंने सोचा थोड़ा बहुत आगे जो हॉस्टल के आसपास कुछ चीज़ें हैं मैं वो देख लेती हूं। तो अभी मैं आई हूं यहां पर इस गार्डन में, और आप देख ही रहे कितना सुंदर है। और मैं ये देख करके भी हैरान हूं कि मैं लंदन में पहुंच गई हूं। राजस्थान से निकल करके मैं लंदन पहुँच पाई हूँ आज, और बहुत भगवान का शुक्र है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी ये चीज़, लेकिन सच हो गया है। और मैं अपने आप को पिंच कर लेती हूँ कि मैं सच में यहाँ पर हूँ। यहाँ आने से पहले मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, तो मैं काफ़ी डर गई थी कि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है। वैसे पोर्टो का भी यही हाल है, लेकिन यहाँ का मुझे ज़्यादा सुनने में आया, जो भी वीडियो देखो सबको यही बोलता रहता है कि कभी भी बारिश होती है, कभी भी ठंड होती है, कभी भी धूप आती है। लेकिन आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शायद मैं पोर्चुगल से लेकर के आई हूँ समर। काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, यहाँ तो बहुत ही लाइक ग्रीनरी है सब जगह पर, और मौसम भी अच्छा है, ना गर्मी है ना ठंड है ना बारिश है, तो परफेक्ट वेदर। देखते हैं बाकी के दिन भी ऐसा ही रहने वाला है या नहीं। यहाँ से मैं जा रही हूँ लेफ्ट साइड में, जहाँ पर है इटालियन गार्डन्स, उसके बाद है हाइड पार्क। वो देखने के बाद में हम लोग जाएंगे मार्केट, यहाँ पर आसपास में है पोर्टोबेलो मार्केट। तो ये साइड पे है कैंजिक्टन गार्डन, और यहाँ से अगर सीधे जाएंगे हम, जैसे मैंने बताया कनेक्टेड है, तो ये साइड पे, दूसरे साइड पे हाइड पार्क। और हाइड पार्क में एंटर करते हुए मुझे दिखा ये सुंदर सा आर्टवर्क जो पेड़ की टहनी पे बना हुआ था। उसके बाद में थोड़ा आगे चलकर बैठ गई कुछ खाने, अपने साथ ही पिकनिक मनाने, जो मैंने सुपरमार्केट से ले लिया था। एक रैप, एक जूस, तो ये इनफ होगा, खा लेते हैं उसके बाद चलते हैं। ओ, स्केटिंग कर रहे हैं वो लोग, अभी तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको सुपरमार्केट का वीडियो बना करके दिखा दूँगी कि आप वहाँ से क्या क्या ख़रीद सकते हैं। आप हर टाइम तो रेस्टोरेंट में नहीं खा सकते, अगर आपको बजट में घूमना है तो। यहाँ पर नेक्स्ट टाइम बताती हूँ मैं आपको। और यहाँ पर मुझे खाते देख एक चिड़िया रानी मेरे पास आई, तो मैंने अपना हाफ एप्पल उसको दे दिया, और फिर मैं चली यहाँ के फेमस मार्केट की तरफ। सबसे पहले मैंने खरीद लिया ये अडैप्टर, बहुत ही ज़रूरी है अगर आप इंडिया से आ रहे हो या यूरोप की किसी और कंट्री से। अडैप्टर ज़रूर अपने साथ लाएं, क्योंकि यहाँ पर 3 पिन वाला सॉकेट होता है, और मुझे ये मिला 3 पाउंड में, और अगर आप अपनी कंट्री से लेते हैं तो आपको शायद सस्ता पड़े। रास्ते में मुझे दिखा म्यूजियम ऑफ ब्रांड, डेफिनेटली ब्रांड शॉपिंग नहीं करनी थी, एक्चुअल में मुझे वॉशरूम यूज़ करना था, और वो मकसद मेरा पूरा हुआ।
फिर साथ में मैंने देखा कि यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर है एंटीक रेडियो, टेप रिकॉर्डर, गेम्स और सुवेनियर। वॉक करते हुए मैं यहाँ पहुँची हूँ पोर्टोबेलो मार्केट में, और यहाँ पर बहुत सारा सामान मिल रहा है। यहाँ पर ये लोग कॉपर के बॉटल, ग्लासेस ये भी सेल कर रहे हैं। इनको भी पता है कि कॉपर में पानी पीना कितना अच्छा होता है। चलिए और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। वैसे आपको पता है, रिसेंटली कर्ली टेल वीडियो में भूमि पेंडेकर ने भी कहा कि लंदन उनके फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन में है। आपको कैसा लगता है, आपको अभी तक क्या लग रहा है लंदन देख करके? यहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हैं। हालांकि पोर्चुगल में भी है, लेकिन यहाँ पर मुझे और ज़्यादा दिख रहा है। और शायद इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, तो इंडियंस भी इतने ज़्यादा भरे हुए हैं ना यार, क्या बताऊँ। जब मैं एयरपोर्ट पर पहुँची तभी मैंने देखा वहाँ पर इतने सारे इंडियंस, मुझे लगा कि मैं इंडिया में आ गई हूँ या फिर मैं यूके में आई हूँ। ये मार्केट लग रहा है जैसे दिल्ली में लगता है, वहाँ पर मार्केट सरोजनी है, बट इससे थोड़ा स्टैंडर्ड है, अच्छी चीज़ें मिल रही है। चलिए और देखते क्या क्या है। यहाँ पर सब कुछ बहुत महंगा है यार, सब कुछ बहुत महंगा है। स्पेशली जब मैं पोर्चुगल से आई हूँ तो मुझे और ज़्यादा महंगा लग रहा है यहाँ पर। ट्रैवल टिकट देख लो या फिर आप कुछ भी देख लो, मेट्रो कार्ड या जो कुछ भी यार, सब कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव है। और दूसरी बात, यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि जैसे ही कोई बहुत ही अच्छी सी जगह दिखती है या बिल्डिंग दिखती है, तो उसको मुझे फ़ोटो लेने के लिए, आपको दिखाने के लिए ना बहुत दूर जाना पड़ता है। जैसे वो वाली बिल्डिंग है पीछे आप देख रहे हैं, तो लाइक सुंदर बहुत है लेकिन बहुत ऊँची ऊँची बिल्डिंग है, और मुझे पता लग रहा है कि मैं कितनी छोटी हूँ यहाँ पर। और ब्रिटिश एक्सेंट, गुडनेस यार, ये लोग क्या बोलते हैं। मुझे जब मैं इंग्लिश बोल रही हूँ यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि मैं हिंदी बोल रही हूँ, और ये लोग इंग्लिश बोल रहे हैं रियल वाले। बहुत कम समझ में आता है मुझे, पता नहीं, मतलब मैंने सुना है, मूवीज़ भी देखी है बहुत ज़्यादा, मैं हॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखती हूँ लेकिन फिर भी मैंने देखा है। लेकिन यहाँ पर आकर तो मुझे लग रहा है कि क्या लाइक एक्स्ट्रा तड़का डालते, इतना एक्सेंट डालते, इतना एटीट्यूड डालते, बोलते इंग्लिश, फिर नॉर्मली बोल लो यार। लोग लास्ट डे शॉपिंग करते हैं, मैं फर्स्ट डे शॉपिंग करने आ गई हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत सही मिल रहा है यार, £1 में एक। पूछ लेती हूँ, यही है ना? It's £1 each, huh? Okay. £1 for all that? £1 each, yeah. एक ही पाउंड का था और मेरे पास चेंज थे तो मैंने ले लिया। ये मैंने इतना मॉडर्न टॉयलेट पहली बार देखा है, इसका डोर स्लाइड होके खुलता है। लोग सोचेंगे कितनी बेवकूफ हूँ, मैं टॉयलेट का भी वीडियो ले रही हूँ। मार्केट में घूमते घूमते काफ़ी टाइम हो गया और मैं थक भी गई। वैसे आप जब आए तो कंफर्टेबल शूज पहनिएगा, क्योंकि आपको ना चाहते हुए भी यहाँ चलना पड़ेगा। पोर्चुगल की तरह स्लोप्स एंड अप्स एंड डाउन्स तो नहीं है, मोस्टली फ्लैट है यहाँ पर। आप चाहें तो साइकिल भी ले सकते हैं। तो मैं रुकी हूँ पीछे वहाँ जो हॉस्टल है वहाँ पर, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप और बजट हॉस्टल देख सकते हैं यहाँ पर आसपास। तो आज के लिए इतना ही,
कल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये था फर्स्ट व्लॉग, बट आगे और भी पार्ट्स आने वाले हैं और बड़ा मजा आने वाला है आपको मेरे साथ लंदन के सफर में। स्टे ट्यून्ड। Thank you.